पर मौजूद हैं, उनके इंचार्ज भी यहां प्रयास कर रहे हैं कि ये महिला जल्द से जल्द नीचे उतर जाए। अब ड्राइवर देखिए चढ़ रहा है तो उसे मारने का प्रयास किया जा रहा है। अब देख सकते हैं पुलिस प्रशासन की टीम भी देख सकते हैं वो उतारने का प्रयास जो है वो करती हुई नज़र आ रही, पर महिला मानने को तैयार नहीं है, हमला आगे से करती है। जैसे ही उतारने का प्रयास किया जाता है आगे से हमला ज़रूर करती है। अपील आप सभी से है कि इस खबर को आप शेयर ज़रूर करें। जिस प्रकार से अभी ये ट्रक जो है तरपाल डालने के लिए खड़ा होता है तो अचानक से एक महिला ऊपर चढ़ जाती है, आसपास के लोगों द्वारा देखा जाता है तो पुलिस को सूचित किया जाता है। पुलिस मौके पर पहुंची पर यह महिला उतरने को तैयार नहीं है। अपील आप सभी से इस खबर को देखने वाला इस खबर को नमस्कार। ये तस्वीरें जो आपको मैं दिखा रहा हूँ NDRI चौक के पास दिखा रहा हूँ, आप एक ट्रक यहाँ पर खड़ा हुआ देख पा रहे होंगे और ऊपर एक महिला चढ़ जाती है और उसे उतारने का यहाँ नीचे प्रयास करा जा रहा है पर महिला उतरने को तैयार नहीं है। 112 की टीम भी मौके पर है और जो महिला थाना से है वो भी पहुँचे हुए हैं और हाथ में आप देख सकते हैं रोड ज़रूर लिए हुए, हालांकि समझाने का प्रयास किया जा रहा है। कहीं ना कहीं दिमागी रूप से ठीक नहीं लग रही महिला और यहाँ पर पुलिस द्वारा जो महिला थाना से पुलिस है वो भी पहुंची हुई है। ERV 414 जो है वो भी मौके पर हैं और अब कहाँ ट्रक जा रहा था, कहाँ से आ रहा था ये भी पूछने का प्रयास करेंगे। किसका ट्रक है भैया, क्या हुआ, कैसे चढ़ गई? तरपाल मार के नीचे आ रहे थे। हाँ। तो ये पीछे से तरपाल के ऊपर से चढ़ के ऊपर आ गई। हाँ। तो ऊपर की इन्होंने देख लिया भाई ऊपर बैठी है। हाँ। तो मैंने गाड़ी यहीं रोक दी। हाँ। फिर रस्से खोले बड़ा। हाँ। मैं कहीं तरपाल के अंदर दब ना जाए। हाँ। हाँ। फिर डायरेक्ट से बाहर फोन कर दिया। हाँ। तो क्या कहते, नीचे नहीं आ रही? नीचे नहीं आ रही सर, समझाया, थोड़ी कमी है इसके। समझाया? हाँ जी, बुलाया, कई बार बुलाया, सोचती भी थी उन्होंने कैमरा लगा रखा जी, राड ले रही है। तो कुछ बोल रही है? कुछ नहीं बोल रही थी, नीचे नहीं आ रही है। भाऊ जी क्या हुआ, क्या पता लगा है? पता क्या लगता है, वो तो कैमरा दिखा रही थी, वो राड में भी मारे वाले गड्डी की राड उठा रखी। आप कंडक्टर हैं? लेबर वाले हैं। अच्छा, खाली करने जा रहे थे। अच्छा, कहाँ जा रही थी गाड़ी? बारिश आई ना। हाँ। कोमा ने तरपाल लगाई, तरपाल लगाई वो आइसक्रीम वाले ने बताया। हाँ। कि एक लेडी पीछे से घुस गई। हाँ। फिर मैं इसका दम नहीं घुट जा। हाँ। ये बीच में आने के बाद मां अगली तरपाल खोल दी। आप देख सकते हैं पुलिस की टीम जो महिला थाने से पहुंची है, समझाने का लगातार प्रयास किया जा रहा है कि नीचे उतर जा, पर महिला कहीं ना कहीं दिमागी रूप से ठीक नहीं है ऐसा बताया जा रहा है और रॉड देखे किस प्रकार से हाथ में पकड़ी हुई है और ट्रक वालों की ये रोड है, ट्रक इसलिए यहाँ पर रुका था कि तरपाल बांधनी थी, बारिश काफ़ी तेज़ आ गई थी जिसके चलते हुए तरपाल को यहाँ पर बांधा जा रहा था ट्रक के ऊपर और महिला अब उतरने को तैयार नहीं है। ERV 414 भी मौके पर मौजूद है, उनके इंचार्ज भी यहाँ प्रयास कर रहे हैं कि ये महिला जल्द से जल्द नीचे उतर जाए। अब ड्राइवर देखिए चढ़ रहा है तो उसे मारने का प्रयास किया जा रहा है। आप देख सकते हैं पुलिस प्रशासन की टीम भी देख सकते हैं वो उतारने का प्रयास जो है वो करती हुई नज़र आ रही, पर महिला मानने को तैयार नहीं है, हमला आगे से करती है। जैसे ही उतारने का प्रयास किया जाता है आगे से हमला ज़रूर करती है। अपील आप सभी से है कि इस खबर को आप शेयर ज़रूर करें। जिस प्रकार से अभी ये ट्रक जो है तरपाल डालने के लिए खड़ा होता है तो अचानक से एक महिला ऊपर चढ़ जाती है, आसपास के लोगों द्वारा देखा जाता है तो पुलिस को सूचित किया जाता है। पुलिस मौके पर पहुंची पर यह महिला उतरने को तैयार नहीं है। अपील आप सभी से इस खबर को देखने वाला इस खबर को शेयर ज़रूर करते रहें। लगातार समझाने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है पर मानने को तैयार नहीं है। जी हाँ, पुलिसकर्मी महिला थाने से भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और 112 की टीम भी यहाँ पर मौके पर खड़ी है। ठीक है, NDRI चौक पर हम मौजूद हैं। आप देख सकते हैं आसपास के लोगों से भी पूछने का प्रयास किया जा रहा है कि इसको कोई जानता है या नहीं। देख सकते हैं अब महिला खड़ी होती हुई ज़रूर नज़र आ रही है और हाथ में रोड ज़रूर लिए हुए उतरने का प्रयास लगता है कर रही है। देख सकते हैं तरपाल के ऊपर चढ़ने का प्रयास अब उतरती हुई नज़र आ रही है। अपील आप सभी से रहेगी इस वीडियो को देखने वाला इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। हालांकि जो प्रशासन की टीम है उनके द्वारा समझाया जरूर जा रहा था कि इससे नीचे उतर जाए, जल्दी नीचे उतर जाए, पर अब उतरती हुई नीचे नज़र आ रही है।
खुद ही नीचे उतरती हुई अब नज़र आ रही है। फिलहाल आप देख सकते हैं महिला अब उतर जरूर चुकी है, अब यहाँ से अब इसे साइड पर ट्रक को भी किया जाएगा और महिला को भी सुरक्षित जगह जरूर पहुँचाया जाएगा, इसके घर तक पहुँचाया जाएगा। फिलहाल जो त्रिपाल की जो रोड थी वो ऊपर ही छोड़ रही है, हालांकि हाथ में लकड़ी जरूर पकड़ी हुई है एक। कहाँ के रहने वाले हो आप? है मैडम, कहाँ के रहने वाले हो आप? कहाँ से आए हो? यहीं आसपास रहते हो? किसी गांव में रहते हो क्या? क्या हुआ था, ऊपर क्यों चढ़ गए थे? घर का पता है आपको, कहाँ है आपका? अब देख सकते हैं बोलने के हालात में नहीं है जो महिला यहाँ पर ट्रक पे चढ़ी हुई थी। फिलहाल आपको मैं बता दूँ जो पुलिस की टीमें जरूर यहाँ पहुँची थी, हालांकि सुरक्षित जो है नीचे उतार लिया गया है। ट्रक आपको मैं फिर से दिखा देता हूँ, वो नंबर HR 661 जो है वो गाड़ी का नंबर है। फिलहाल आप देख पा रहे हैं देख सकते हैं मारने का प्रयास जो कर रही थी। फिलहाल आप देख सकते हैं दिमागी रूप से ठीक है जो है वो नहीं लग रही है, अब फिलहाल साइड पर कर लिया गया है पुलिस द्वारा। 112 414 से यहाँ पहुँचे हैं, उनसे जानने का प्रयास करें क्या जानकारी मिली थी। सर ये इवेंट आया था जी हमारे पास, हम मौके पर पहुँचे हैं, ये ट्रक था राइगर चलते हुए बर्फ की वजह से उन्होंने अपना तरपाल ढक रहे थे, रस्सा लगा रहे थे, बारिश ज़्यादा आएगी और बीच में रुक गए पल्लर से नीचे, ऊपर काउंटर बैठ गई, वहाँ से इसने लोहे की रॉड उठाई, नीचे उतरी नहीं, फिर हमने कंट्रोल को नोट करवाया, कनाल कंट्रोल को, उन्होंने महिला थोड़ा से स्टाफ भेज दिया, फिर इसको नीचे उतार दिया। तो मारने का प्रयास कर रही थी? मारने का जी पहले रॉड थी, आपके साथ भी गए जी मारने का प्रयास। जी 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 जी। तस्वीरों में देख पा रहे हैं अपना अशियाना की टीम यहाँ पर मौके पर पहुँच चुकी है। फिलहाल अपना अशियाना के जो संचालक है राजकुमार जी वो मौके पर हैं, अंशुल ग्रोवर हैं यहाँ पर। जैसे ही उन्हें सूचना मिली कि इस तरह से एक महिला जो है वो सड़क पर बैठी है, ट्रक के ऊपर चढ़ी हुई थी, उसके बाद अब अपना अशियाना की टीम जो है वो यहाँ से महिला को अब अपने साथ शायद लेकर जाए, अगर कागजी कार्रवाई पूरी होती है तो वो साथ में ले जाने को तैयार हैं। क्या कुछ पूरा मामला है एक बार वो भी जानने का प्रयास करेंगे। फिलहाल अभी जो महिला है वो यहीं पर NDRI के पास जो है वो बैठी हुई है, अपना अशियाना की टीम अब साथ ले जाएगी या नहीं वो देखने वाली बात होगी, एक बारी बात करने का भी प्रयास ज़रूर करेंगे। आप देख सकते हैं अपना अशियाना से राजकुमार जी अब गाड़ी में बिठाते हुए नज़र आ रहे हैं, जिस प्रकार से महिला थाना से जो है वो पुलिस पहुँची थी, अब गाड़ी में जो है वो महिला बैठ चुकी है और बात करने का भी प्रयास ज़रूर करेंगे राजकुमार जी से, क्या कुछ इस महिला के बारे उनको पहले से ऐसी कोई जानकारी है या नहीं। फिलहाल आप देख सकते हैं यहाँ से अब मेडिकल के लिए यहाँ से ले जाया जा रहा है, और राजकुमार जी हैं उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे क्या कुछ वह कहना चाहेंगे, क्या कुछ उन्हें जानकारी मिली थी। वही आलू सिविल हॉस्पिटल। घर पता है आपको अपना? नाम पता है बेटा? नाम क्या है आपका? नाम मालूम है? नाम बताओगे अपना? क्या नाम है बेटे? बेटे कहाँ से आए हो आप? राजकुमार जी हैं मेरे साथ, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। सर आपके पास कोई पहले से जानकारी थी इस महिला की आपके पास? नहीं, अभी जैसे आपके माध्यम से ही पता लगा हमारे को, जैसे हम यहाँ पर आए हैं, अपना अशियाना आश्रम का जो हेल्पलाइन नंबर है हमेशा आपके माध्यम से हम फ्लोट करते रहते हैं, तो कोई कहीं भी कोई लाचार बेसहारा पड़ी हो ऐसे, जैसे 112 नंबर पर कॉल गई है, उन्होंने अभी यहाँ पे आए हैं तो उन्होंने उनको हैंड ओवर कर दिया है महिला थाने को, अब इसका एक बार मेडिकल करवा लेते हैं तो जो भी इसकी पोजिशन होगी तो उसके बाद इसको हम अपना अशियाना आश्रम अगर ये कहीं अपने लेडीज वन स्टॉप सेंटर पे या कहीं और छोड़ना चाहते होंगे तो वो सरकारी के अधीन में जैसा है वो वैसे कार्रवाई करेंगे, नहीं तो हम इनको अपना अशियाना आश्रम के अंदर भी इसको लेके इस बहन का जो भी इलाज वगैरह होगा सुरक्षा प्रदान की जाएगी। आप देख सकते हैं मेरे साथ अपना अशियाना से राजकुमार जी थे। फिलहाल यहाँ से अब महिला को जरूर मेडिकल के लिए ले जाया जा रहा है ताकि
जो अपना शियाना है इसे ले जाया जा सके, जो इसके कंडीशन है वो जांची जाएगी, ठीक है महिला, तो उसके बाद जो है अपना शियाना में इसे ले जाया जाएगा। मेरी आप सभी से अपील रहेगी, अगर इसी तरह से कोई लाचार आपको व्यक्ति या जो महिला है मिलती है तो तुरंत सूचना आप अपना शियाना या 112 में दे सकते हैं। धन्यवाद।